लाइव कोलकाता के अपडेटेड न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाएं। एकांकर देवघर में चल रहे विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का आज पांचवा दिन है। कल सोमवार है, ऐसे में आज भक्तों की संख्या अचानक बाबा मंदिर में बढ़ गई। आज सुबह 4 बजे से ही जल अर्पण का काम शुरू कर दिया गया। भक्तों के लिए अर्घा सिस्टम में जलालखन कराया जा रहा है। वहीं निश्चित वृद्ध या असहाय लोगों के लिए बाहर की भी व्यवस्था की गई है, साथ ही सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि आज तकरीबन 1,20,000 से भी ज्यादा भक्त जल अर्पण करेंगे देवघर बाबा मंदिर में। अचानक से पांचवें दिन भीड़ बढ़ने से मंदिर में चलना मुश्किल हो रहा है। एक तरफ जहां अर्घ सिस्टम से बाबा मंदिर में जड़ा उत्पन्न हो रही है, वहीं दूसरी ओर पार्वती मंदिर में भी फुटओवर ब्रिज के माध्यम से कांवरियों को पार्वती मंदिर में प्रवेश कराकर जल अर्पण कराया जा रहा है। मतलब इसी कारण से दिया गया है कि माता रानी लोग आज जो घर का काम काज करने के बाद भी आज सबको एक मुंह में हंसी लाने के लिए उन लोग जो आनंद दे रही है, शिव चर्चा कर रही है। इसी मुंह से बोलने से तो होगा नहीं, उन लोग को थोड़ा माइक रहे तो और उन लोग का आनंद उठेगा और अच्छे तरीके से उन लोग गा पाएगी, दूर दूराज से सबको सुन पाएगी, यही बस। और जो लोग शिव चर्चा से जुड़े हुए हैं वो लोग शिव चर्चा करते हैं और सावन महीने में देखते हैं कि शिव की भक्ति पर लोग थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसीलिए बहुत दिन से वहाँ डिमांड थी कि शिव चर्चा जो लोग करते हैं, जो महिलाएं वो लाउड स्पीकर चाह रही थी, तो वही आज दिया गया। 10 शिव चर्चा ग्रुप भेज दिया गया। आने वाले दिन में और भी बहुत से ऐसे शिव भक्त जो लोग हैं उनको इस तरह का लाउड स्पीकर माइक दिया जाएगा, जिससे खुले मन से वो शिव चर्चा कर सकते हैं।